मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ का सोतीगंज इलाका, वही इलाका जिसका हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। यहाँ आओ तो हर तरफ वाहनों के पार्ट्स नजर आते थे, टायरों से लेकर वाहनों के कलपुर्जे और लाइट्स भी। करीब 350 व्यापारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस धंधे से जुड़े हुए हैं। अब हालात बदले नजर आते हैं। पुलिस प्रशासन ने नकेल कसते हुए फरमान सुना दिया है कि सामान के सत्यापन व शपथ पत्र के साथ ही दुकानें खोली जा सकेंगी। प्रशासन, शासन और सरकार के दबाव के आगे नाम के कबाड़ियों को अंततः झुकना पड़ा। अब यहां अधिकांश दुकानें बंद हैं, वाहनों के पार्ट्स, कल पुर्जे सब नदारद हैं। दुकान के बाहर के बोर्ड बदले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना काला धंधा बदलकर रोजी रोटी के अन्य माध्यम चुनना बेहतर समझ लिया। कुछ ने कपड़े आदि का काम शुरू कर दिया है। कुछ अभी भी इस उम्मीद में है कि सुबह फिर कभी तो आएगी। कुछ ने जिले के बाहर उन जिलों में संभावना तलाशना शुरू कर दिया है जहां इस काले धंधे को फिर से संचालित किया जा सके। एडीजी ने जोन के सभी वरिष्ठ पुलिस अफसरों को इस दिशा में सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ का सोतीगंज इलाका सिर्फ मेरठ नहीं बल्कि इसके तार देश के कई राज्यों तक फैले हुए हैं। पीएम मोदी ने खुद यह कहते हुए इसकी पुष्टि कर दी है कि देश में कहीं भी वाहन चोरी हो वह कटने के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आता है। सोतीगंज इलाका हमेशा से चर्चा में रहा लेकिन यदा कदा मामूली कार्रवाई के बाद इसके तौर तरीकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चर्चा यहां तक भी हुई कि बिना सदर थाना पुलिस के संरक्षण के नाम के कबाड़ी करोड़ों व अरबपति नहीं बन सकते हैं। यही कारण रहा है कि सदर थाने का चार्ज पाने के लिए दरोगाओं को सिफारिश लगाते हुए देखा जाता रहा है। गंभीर बात यह भी है कि यह थाना इंस्पेक्टर स्तर का है लेकिन यहाँ चार्ज वरिष्ठ पुलिस अफसरों के चहेते दरोगाओं को ही मिलता रहा है। अब नए पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी की वक्र दृष्टि इस काले धंधे पर पड़ी तो इसमें लिप्त कबाड़ियों को 7.5 ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कई बड़े कबाड़ माफिया गैंगस्टर में निरुद्ध कर जेल भेज दिए गए। हाजी गल्ला प्रदेश स्तर का कबाड़ माफिया घोषित कर दिया गया। कई कबाड़ियों की करोड़ों की जायदाद कुर्क कर उन्हें सड़क पर ला दिया गया। कुछ व्यापारियों ने मीडिया को बातचीत में यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हाजी आस मोहम्मद है। पहले आप क्या काम करते थे? पहले हमारा कबाड़ का काम था। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? हम जूते का काम करेंगे भैया। कारण क्या रहा इसका, जूते का काम करने का? जूते का काम इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासन का ऑर्डर है, ऊपर से प्रशासन का ऑर्डर है, ऑर्डर है ये काम को चेंज करें, दूसरा काम करें। तो आप संतुष्ट हैं इस काम से? हम इस काम से संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में यही काम करेंगे आगे भी? भविष्य में यही काम करेंगे, कबाड़ का काम कभी कभी नहीं करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिशा देवी। क्या काम करते हैं आप? मैं पहले कार पार्ट्स का काम करता था और अब मैंने कपड़ा काम नया शुरू करा है। इस काम में संतुष्ट हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह रोजी दे रहा है इसके अंदर भी। क्या कारण रहा काम चेंज करने का? बस बाकी अल्लाह का शुक्र ना, हमने गलत काम पहले करा ना आज करेंगे। मजदूर हम पहले भी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं और इसके अलावा भी अगर हमें मजदूरी करने की जरूरत पड़े तो हम वो भी करेंगे, कोई बात नहीं है। प्रशासन ने कुछ आके प्रशासन ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं है, जो बात है अभी हमने लगा रखा है ठिया, तो हमने ठिया लगाया, अब तो कोई परेशानी नहीं है हमें। आगे भविष्य में कोई आप काम चेंज करेंगे? नहीं हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो अल्लाह खाने को दे रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुहेल है। पहले आप क्या काम करते थे? कबाड़े का ही काम था हमारा। कबाड़े का काम था और अब क्या कर रहे हैं आप लोग? कपड़े का काम कर रखा। कारण क्या रहा कि काम चेंज करने का? बस काम तो चेंज करवा दिया पुलिस वालों ने, सबों ने। तो आप आगे भविष्य में दोबारा कपड़े कबाड़े का काम करेंगे? कपड़े का काम करेंगे जी, कबाड़े का नहीं करने का। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, बस यही है बंद तो होएगा, अब क्या करना है, अब कुछ कपड़ा का ही करेंगे। इस बारे में फर्स्ट बाइट ने जब एसपी सिटी विनीत भटनागर से बात की तो उन्होंने यह कहा। देखिए आपको जानकारी है मेरठ पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ में सोतीगंज का जो नेक्सस है चोरों का और चोरी के बाद मोबाइल गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट करने का,
ट्रांसपोर्ट करने के बाद मैं सोतीगंज में ला करके उनको काट करके उनके स्पेयर पार्ट्स बेचने का उस पूरे नेक्सस पे हम लोगों ने प्रहार किया है। और ये बड़ी सुखद है कि इसमें देश में उच्चतम स्तर से इसकी प्रशंसा हुई है। इससे हम और अधिक मनोबल से और अधिक मेहनत के साथ इसमें काम करने के लिए और उद्यत हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें अब तक 6 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए हैं। लगभग 32-33 लोग इसमें अब तक इसमें अरेस्ट हुए हैं। 40 करोड़ रुपए की सामान की कुर्की की जा चुकी है। और आपको जानकारी होगी कि हम लोगों ने जो जो उसमें विवेचना के क्रम में साक्ष्य सामने आए थे, जिसके क्रम में जानकारी हुई थी कि ये जो सफ़ेदपोश लोग हैं उनके माध्यम से भी स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस चैनलाइज किया जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य लगातार जारी है। सर, कितने लोग अभी फरार हैं विवेचना से? देखिए, अब इसमें तो जो जितने भी मुख्य इसमें आरोपी थे सभी गिरफ्तार हो गए, लेकिन जैसे कि ये आपको भी जानकारी है, ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि केवल एक बार हम लोगों ने कुछ कार्रवाई कर दी तो रुक जाए उसके बाद में। तो हमारा प्रयास, हमारी जानकारी के अनुसार इस प्रकार का कारोबार काफ़ी हद तक रुक चुका है और इस प्रकार के अधिकांश जो अपराधी हैं वो पुलिस ने जो है न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नए कमीशन भेजे हैं, लेकिन ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।